थे और कोरिया का ये प्रतिनिधिमंडल भी अपने उस अतीत के साथ जुड़ने के लिए अयोध्या आया है और इस दिन से अयोध्या की पहचान अयोध्या के रूप में ही रहे। कोरिया इस बात का गवाह है, दुनिया के तमाम देशों का प्रतिनिधिमंडल भी यहां पर आया है और इसलिए सबसे पहली बात मैं इस प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करता हूं, आपको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और मैं आप सबको इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि आज से इस जनपद का नाम भी अयोध्या के नाम से जनपद जाना जाएगा।